इस सारे बेच चुका है। बच्चे का आज छुट्टी है, उसने सब लकड़ियाँ निकाल रहे हैं और यहाँ पर आंगनवाड़ी स्कूल, ये देखिए इतना सारे लकड़ी अभी निकाले हैं। यहाँ पर मेरा जेठ जी भी है और ये सब कुछ क्लीन करना है, हम लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है और इतने मोटे मोटे हैं लकड़ियाँ उठाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा बच्चा अभी आ गया है, बच्चे का भी स्कूल छुट्टी है। शरद भाई देखो किस तरह से उतार रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। देखिए ये मेरी बेटी भी आ गई है और ये इतने सारे लकड़ियाँ उठाना है। यहाँ पर ही आंगनवाड़ी की स्कूल बनने वाली है, इसलिए हम लोगों को सब कुछ निकालना है और ऐसे सारा क्लीन करना पड़ता है। वहाँ तलक है मेरे को और ये देखिए इतना सारा क्लीन करना है। ये देखिए झाड़ भी काटेंगे और आज सारा दिन बहुत थकान होगी और बहुत सारा काम करने को पड़ेगा। और वहाँ पर मेरी बच्ची रो रही है, यहाँ पर मेरा बच्चा उनको भी उठा के वहाँ पर रख रहे, गिर जाएंगे बोल के। और यहाँ पर हस्बैंड जी अभी थक चुके हैं, वहाँ पर इतने सारे लकड़ियाँ निकाले हैं उसने अभी नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे बोल के। शोर भाई मुझे बोल रहे हैं आपको काटा के अंदर जाओ बोल रहे बेबी।
चुका है। सांड कैसा कर रहा है, ये हमारे तीन सांड, ये हमारा बड़ा सांड, ये हमारा बड़का सांड। फाइनली दोस्तों यहाँ पर पूरा क्लीन भी हो गया। देखिए अभी यहाँ पर कितना सारा लकड़ियाँ थी, ये सब कुछ निकाल दिए हैं। और यहाँ पर है हमारा चूल्हे, और चूल्हे पे पानी रखने वाले थे लेकिन पानी भी नहीं रखने का, अभी कल मिलेगा कि नहीं, अभी यहाँ पर स्कूल बनने वाला है, उसी लिए हम लोग ये सारा लकड़ियाँ निकाल के वहाँ पर शिफ्ट करे हैं। देखिए आप लोगों को दिखाऊँगी, वो दिख रही है ना लकड़ियाँ, वहाँ पर शिफ्ट करे हैं हम लोग। और सुबह से हस्बैंड जी और बच्चे लोग, सारे बच्चे लोग सब कुछ मिल के करे हैं। और मैं गई थी कॉलेज को, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी, सुबह में थी, मैं थोड़ा बहुत करी थी और बाद में तो नहीं था। और ये देखिए हमारा ये सब छोटी छोटी लकड़ियाँ यहाँ पर रख दी हैं, और इनको भी जलाएंगे। और कीर्तिराज जा रहे हैं पानी, फिल्टर पानी लाने के लिए डब्बे लेकर गए हैं। और ये देखिए हमारा ये साइड में रख दिए हैं हम लकड़ी, यहाँ पर देखिए ढेर सारा लकड़ी है, वहाँ पर भी रखे, यहाँ पर भी रखी है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारे, ये देखिए हमारे बकरियाँ, देखिए किस तरह से जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बेटी बेटी है। और ये देखिए इतना सारा नज़ारा, एकदम सुना सुना लग रहा है, क्या तो भी चीज़ कोई जैसी लग रही है। देखिए आप लोग क्यों बोले तो वहाँ पर लकड़ी बहुत सारी थी, इसलिए हमारे को एकदम अच्छा लगता था। और ये झाड़ को भी कल या कभी तो काटेंगे, और यहाँ जैसी भी आएंगी आके काटेंगी। और ये पूरा क्लीन हो गया हमारा काम, और ये स्कूल बनने के बाद आप लोगों को भी बताऊँगी ये घर के सामने ही। और ये देखिए मेरा बर्तन है, अभी मैं बर्तन क्लीन करूँगी। और कॉलेज से मैं अभी जाई हूँ, खाना बहुत भूख लग रही थी लेकिन खाना नहीं खा पाऊँगी अभी मैं, क्यों बोले तो अभी तो 6 बजने को आ गया है टाइमिंग, उसने खाना नहीं खा पाऊँगी। आप लोगों को यही बता रही हूँ, मैं वीडियो ही इस तरह से देख सकते हैं। और एक मेरी सासू माँ ये चने की भाजी हमारे तोड़ के लेकर आए थे, अभी इनको सुखा के एक इसमें डब्बे में भरेंगे। और ये देखिए मेरी सासू माँ का नुस्खा कर रही है यहाँ पर इनको अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से करते हैं। और यहाँ पर भी इतना है, ये इतना मोटा सा है, हाथ से ऐसे मसलना है तो एकदम बारीक सा हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पर सासू जी कर रही है, मेरी जटानी जी अभी रोटी बना रही है, रोटी के लिए इतना सारा ज्वारी के आटा ले लिए है, आटा को गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर रही है, और मिक्स करने के बाद रोटी बनाएंगी। और आग भी लगा ली है चूल्हे पे। और ये देखिए हमारी लकड़ी आग निकाले, सब लकड़ियाँ सब कुछ यहाँ पर लेकर आए हैं, और आग भी देखिए आग कितना अच्छा दिख रहा है। चावल के लिए पानी रखती हूँ यहाँ पर, चावल चढ़ा रही हूँ मैं, पानी रख रही हूँ। और यहाँ पर चूल्हे पे देखिए मैं दाल, कच्चा पक्का दाल करूँगी, चने की भाजी डाल के। ये रही मेरी बेटी, यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा राइस है, राइस इतना हमारा वेस्ट होता है, देखिए रात में बचा हुआ राइस को कौन भी नहीं खाते हैं मेरे घर में, और ये वेस्ट हुआ देखिए, अभी देंगे हम उन लोगों को। दोस्तों ये खाना वेस्ट होना बहुत बुरी बात है, लेकिन भेजने से पहले हम इनको खिला रहे हैं, और अभी हम जाएंगे मेरे बर्तन क्लीन करने के लिए। और ये देखिए कितना अच्छे खा रहे हैं,
भी खाना देखिए, हमारा ये भाजी भी चने की भाजी में अभी बताई थी मेरी सासू माँ क्लीन कर रही थी, उसमें मैं देखिए अभी थोड़ा बनाई हूँ। ये देखिए इस तरह से बनाती हूँ मैं कच्चा पका दाल बोलते। और ये है मेरा टमेटो की सादा राइस बनाई हूँ, नारियल की चटनी थी दो, कच्चे नारियल की चटनी बनाई हूँ यहाँ पर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और ढेर सारा सपोर्ट करना। बाय, टेक केयर नेक्स्ट वीडियो के लिए।